आज हम बात करेंगे इंद्रियों के पार के अनुभव के बारे में। आखिर कैसा होता है इंद्रियों के पार का अनुभव? क्या इंद्रियों के पार जाकर ही उस परमात्मा का दर्शन होता है? देखिए, आप अब तक अपनी इन इंद्रियों के अनुभव को ही नहीं जान पाए हैं। अभी आपको जो भी कुछ मिल रहा है वो आप एक बेहोशी की अवस्था में रिसीव कर रहे हैं। पहले आप अपनी इन बेसिक इंद्रियों के बारे में जानें। ये किस प्रकार काम करती हैं? आप इनसे किस प्रकार जुड़े हुए हैं? सामान्यतः मनुष्य की 5 इंद्रियां सक्रिय होती हैं और इन्हीं 5 इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है, अर्थात जिनसे आप भौतिक संसार का ज्ञान जमा करते हो, उन्हीं को ज्ञान इंद्रियां कहा गया है। अब याद रखना है, ये मैं आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, भौतिक ज्ञान की बात कर रहा हूं। जैसे आपकी पहली इंद्री आपकी आंखें, आप अपनी आंखों से दृश्य देखते हैं। दृश्य देखते ही आपके अंदर एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। उस दृश्य में आपने क्या देखा, वो कैसा था, वो क्यों था, तो आपको उस दृश्य से कुछ शब्द मिले, कुछ जानकारी मिली, जिसे आपके दिमाग ने अपनी समझ के हिसाब से प्रोसेस करके अपने पास रख लिया। आपकी दूसरी इंद्री आपके कान, आप अपने कानों से किसी आवाज को सुनते हैं, किसी ध्वनि को सुनते हैं, आपके भीतर फिर से एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो ध्वनि कोई शब्द हो सकते हैं, किसी की आवाज हो सकती है, उन शब्दों या आवाजों को भी आपका दिमाग प्रोसेस करके मेमोरी में डाल लेता है। जब दोबारा आप वो ध्वनि सुनते हैं या वो शब्द सुनते हैं, तब उससे संबंधित आप उस ज्ञान का आभास कर पाते हैं। आपकी नाक, जिससे आप चीजों को स्मेल करते हो, आप एक बार किसी चीज को स्मेल कर लेते हो, फिर आपका दिमाग उस स्मेल को याद रखता है। आपकी जीवा, जिससे आप स्वाद लेते हो, आप स्वाद को भी याद रखते हो। किसी को टच करना, स्पर्श करना, जब आप किसी को छूते हो, स्पर्श करते हो, तब आपके भीतर भावनाएं उत्पन्न होती हैं। किसी चीज को पकड़ते समय कितना फोर्स लगाना है, यह आपकी मेमोरी जानती है। तो ये आपकी 5 इंद्रियां सहायक होती हैं बाहरी ज्ञान इकट्ठा करने के लिए। आप इन इंद्रियों के माध्यम से जितना भी ज्ञान इकट्ठा करते हैं, वो सभी ज्ञान सांसारिक है, सब भौतिक है। अब सवाल ये उठता है कि आप अपनी 5 इंद्रियों को नियंत्रित करके, इनको कंट्रोल करके परम ज्ञान को पाया जा सकता है, मुक्ति तक पहुंचा जा सकता है। तो क्या वाकई इन 5 इंद्रियों को नियंत्रित करके, इनको कंट्रोल करके परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्योंकि आपकी इंद्रियों का काम है आपको एहसास दिलाना, आपको किसी वस्तु या चीज का अनुभव देना। तो जब तक आपको किसी भी चीज का अनुभव हो रहा है, अब वो चाहे सांसारिक हो या असंसारिक, वो सभी अनुभव केवल इंद्रियों के माध्यम से ही रिसीव किए जा रहे हैं। कई बार इंद्रियां सूक्ष्म रूप से काम करने लगती हैं, जिससे कि आपको धोखा हो जाता है कि आपको कुछ अलग प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं। असल में ऐसे में आपकी इंद्रियां आपके साथ खेलती हैं, आपको धोखा देती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी इन 5 इंद्रियों को नियंत्रित कर ले और इनके पार निकल जाए, तब भी उसे परमात्मा के दर्शन नहीं होते, वह परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाता। क्योंकि उसके बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है आपकी सूक्ष्म इंद्रियों का। आपकी ये 5 भौतिक इंद्रियां, ये भौतिक शरीर और भौतिक संसार का ज्ञान लेने के लिए हैं। लेकिन आप ये सत्य तो जानते ही हैं कि आपका केवल ये भौतिक शरीर ही नहीं है, इसके पार भी कुछ और सत्य है। इसके पार भी आपके कुछ शरीर हैं, जैसे आपका सूक्ष्म शरीर। अगर कोई साधक अपनी 5 इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, तो वह केवल अपने इस भौतिक शरीर और भौतिक जगत के पार निकल जाता है। अब वहां दूसरा खेल शुरू होता है आपके सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगत का। जिस प्रकार आपके इस भौतिक शरीर में ये 5 इंद्रियां हैं, उसी प्रकार आपके सूक्ष्म शरीर की कुछ सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जिनके अपने कार्य हैं, उनकी अपनी संभावनाएं, उनकी अलग शक्तियां हैं। वो आपको कुछ अलग प्रकार का अनुभव देती हैं, इस भौतिक संसार से बिल्कुल अलग, जिसमें कि एक थर्ड आई है, यानी आपकी 6th sense, 6th इंद्री। जब आपकी यह इंद्री सक्रिय हो जाती है, तब आप सामान्य लोगों से कुछ अलग अनुभव कर पाते हैं। लेकिन याद रखना, अनुभव और एहसास आपको अभी भी हो रहा है, अब वो आपके भीतर कहीं सूक्ष्म तल पर हो रहा है। अब ये भौतिक शरीर के माध्यम से नहीं हो रहा, ना ही आपकी भौतिक इंद्रियों के माध्यम से, यानी आपके भीतर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां सक्रिय हो रही हैं, जो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। इसीलिए एक साधक जब वो अपनी साधना में निपुण होता जाता है, गहरा उतरता जाता है, उसे अपने शरीर और भौतिक संसार का बोध कम होने लगता है। गहरा उतरते उतरते वह अपनी सूक्ष्म अवस्थाओं को पा लेता है। जब इस स्थिति में उसके शारीरिक और भौतिक अनुभव रुक जाते हैं, तब उसके भीतर दूसरे अनुभव शुरू हो जाते हैं, दूसरे एहसास होने लगते हैं।
तब ऐसे में वह व्यक्ति अपनी भौतिक इंद्रियों के पार तो निकल गया है, पर अब वह दूसरी जगह फंस गया है, अपनी सूक्ष्म इंद्रियों में फंस गया है। अब वहां उसे सूक्ष्म अनुभव हो रहे हैं, कुछ अनोखे एहसास हो रहे हैं, जिसे कई बार साधक यह समझ लेता है कि यही आध्यात्मिक अनुभव है, जबकि ये उसके भीतर की कुछ अलग संभावनाएं हैं जो हर एक व्यक्ति में होती हैं। जैसे जैसे आप अपनी सूक्ष्मता की गहराइयों में पहुंचते चले जाते हैं, वैसे वैसे आप प्रकृति के क्लोज आते चले जाते हैं। आप प्रकृति के हर एक जीव की भाषा समझने लगते हैं, हर एक वाइब्रेशन को पहचानने लगते हैं, आप अशरीरी आत्माओं से बातें करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आत्मज्ञान हो गया है, नहीं। अगर आप किसी भूत प्रेत या देवी देवता से संपर्क कर पा रहे हैं, तो इसका अर्थ केवल यह है कि आपने अपने भीतर उस संभावना को पा लिया है जो संभावना उन अशरीरी जीवों में है। तो आपकी गति केवल वहां तक हुई है। अगर आप किसी जानवर को देखकर उसके मन को पढ़ सकें कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, यह अटैक कब करेगा, ये क्या सोच रहा है, तो आप केवल यह जान पाए हैं कि उसकी इंद्रियां किस प्रकार काम कर रही हैं। उस शक्ति को आप अपने भीतर भी महसूस कर पाते हैं, इसलिए आपके सामने कई संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। तो अगर आप अपनी भौतिक इंद्रियों पर नियंत्रण पाकर इनके पार निकल जाते हैं, जो सामान्यतः साधारण मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है, तो जब आप इन भौतिक इंद्रियों के पार नहीं निकल पाते, आगे जो चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं आपकी सूक्ष्म इंद्रियों के, वहां तो आपको और मजा आएगा, वह आपके लिए एक चमत्कार की तरह होगा। तो उनके पार निकल पाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ज्यादातर साधक जो ज्ञान, मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर होते हैं, वो अधिकतर कहीं बीच में ही रुक जाते हैं, इन शक्तियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आपका ये भौतिक शरीर, इसकी इंद्रियां हैं, उसके बाद आपका दूसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसकी अपनी संभावनाओं वाली इंद्रियां हैं। ऐसे ही आपका कारण शरीर, आपको अपने सातों शरीरों की खोल को तोड़ना होगा और उनकी संभावनाओं के पार जाना होगा, जहां पर आपको किसी भी चीज का अनुभव या एहसास नहीं होगा। क्योंकि याद रखना, किसी भी प्रकार का अनुभव हो, चाहे वो भौतिक शरीर से हो, भौतिक संसार से हो, या आपके ध्यान में जाकर जो अनुभव आपको मिलते हैं, सूक्ष्म शरीर के अनुभव, सूक्ष्म जगत के अनुभव, उन जगत में रहने वाले जीवों के अनुभव, भूत प्रेत देवी देवताओं के अनुभव, अशरीरी आत्माओं से संपर्क या उनसे बातचीत के अनुभव, ये सभी अनुभव और एहसास केवल इंद्रियों के माध्यम से लिए जा सकते हैं। वो बात अलग है, इनके लिए आपको अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को सक्रिय करना होगा। ये सभी अनुभव आप अपनी इन पांचों इंद्रियों से नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ये पांचों इंद्रियां केवल भौतिक ज्ञान लेने के लिए हैं। अगर आपको सूक्ष्म ज्ञान चाहिए, तो आपको अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को सक्रिय करना होगा, और अगर आपको परम ज्ञान चाहिए, तो आपको इंद्रियों के पार जाना होगा, जहां आपको किसी प्रकार का अनुभव नहीं होगा, कोई एहसास नहीं होगा, केवल शून्य। इसे कहते हैं इंद्रियातीत हो जाना। याद रखना, आत्मा, आत्मज्ञान या परमात्मा कोई अनुभव, कोई एहसास नहीं है। ये सभी अनुभव और एहसास के पार की अवस्था है, जहां अगर कोई साधक पहुंच भी जाए तो वो कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि उसे कुछ हुआ तो है लेकिन वह नहीं जानता, और जो कुछ नहीं जानता वही सब कुछ हो जाता है। और इस अवस्था में पहुंचने के बाद जानने को शेष कुछ नहीं बचता, वह जानने से और ज्ञान के पार निकल जाता है। देखिए, आप जितना भी ज्ञान सदगुरु या ज्ञानियों के माध्यम से सुनते हैं, वह आत्मिक परमात्मिक ज्ञान नहीं है, वह उससे पहले की अवस्था है। वो केवल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्ञान से पहले उनके भीतर क्या घटा, उन्हें क्या एहसास हुए, क्या अनुभव हुए। उसके बाद वह कुछ नहीं कह पाते, जो उन्हें हुआ तो केवल बस उन्हें ही हुआ। वो केवल आपको वहां तक लाना चाहते हैं जहां तक सभी अनुभव मौजूद हैं, भौतिक और अभौतिक। वहां पहुंचने के बाद आपको स्वयं ही मार्ग मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी इस भौतिक रचना को समझना होगा, भौतिक इंद्रियों को समझना होगा। आपकी गहरी समझ ही आपको इसके पार ले जा सकती है।